सभी को बधाई। भैया ने जब पहली तिथि थी नवमी की तब कहा था ये संकल्प दिवस है, और मेरे को ऐसा लगता है कि कल फिर से एक संकल्प दिवस रहेगा। दशहरे के दिन जब बुराई पे अच्छाई की विजय का दिन होगा, तब हमें फिर से इंटरनलाइज होना है कि हम कौन सी चीज़ है जिसको हम और अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने व्यवहार में, अपने ज़िंदगी में हम और क्या चीज़ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा दिन है, आज का दिन भी बहुत पावरफुल है। और हमने ये जो 9 दिन देखा कि हम तो बहुत आराम से कंट्रोल कर लेते हैं, जो लोग नॉनवेज अल्कोहल लेते हैं वो 9 दिन बिल्कुल छोड़ देते हैं, और कितनी सारी चीज़ें जो बहुत फूडी लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि 9 दिन के बाद हम फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं? तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है हमारे माइंडसेट का। जब आप नवरात्रि का फास्ट करने का संकल्प करते हैं तो आप अपने मन को, अपने आप को बोलते हैं कि मुझे ऐसा करना है, और अपना माइंड इतना पावरफुल होता है, हमने माइंड की पावर को पहचाना नहीं है। इसकी पावर आप तब रियलाइज़ कर सकते हैं जब आप रात को ये सोच के सोते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, और आप देखिएगा बिना क्लॉक बजे, अलार्म क्लॉक बजे आप 4 बजे उठ जाते हैं। तो जो चीज़ हम अपने मन को बोलते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सर्वेंट के जैसे आपकी बातों को फॉलो करता है। अब इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा डीप में समझें तो आप अपने आप से क्या बात करते हैं? मैं बहुत नालायक हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं मीठा खाए बिना अपना मील छोड़ता नहीं हूँ। तो ये जो बातें हम बोलते हैं अपने आप से, तो माइंड बोलता है ओके मैं ऐसा ही हूँ, मतलब आपने जो समझा है मैं अब उसको कर करके दिखाऊंगा। तो अगर आज से आप स्वस्थ बनना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा फूड लेना चाहते हैं, तो ये चीज़ अपने आप को बोलना शुरू करें, यकीन अपने आप को दिलाना शुरू करें। अगर आप बुक रीडर बनना चाहते हैं तो आपको यही चीज़ बोलनी पड़ेगी, मुझे बुक पढ़ना पसंद है। अगर आप ये बोलते रहेंगे मुझे बुक्स बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन बनना कुछ और है, कहते कुछ और है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, तो वो माइंड नहीं समझता है। तो आपको दिल से, मन से, वचन से, क्रम से, बातों से अपनी माइंड को प्रूफ कराना पड़ेगा कि नहीं, मैं बहुत ही हेल्दी फूड खाता हूँ। अगर आप मुझसे मेरी फिटनेस का फंडा पूछते हैं तो मैं सिंपली एक चीज़ फॉलो करती हूँ कि मेरे मील में रॉ चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, रॉ वेजीज मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे पेरेंट्स ने ये हमें आदत ही डाली थी। मैं अंबिकापुर से हूँ तो अंबिकापुर में सब्जियाँ बहुत अच्छी फ्रेश मिलती है, वहाँ के लोकल जो फार्मर्स हैं शायद वो लेकर आते हैं मंडी में। तो हम लोग को पापा लाते थे तो बोलते थे अरे देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, तो कच्चे मटर, कच्चे खीरे, कच्ची मूलियाँ, हम लोग फार्म हाउस भी, बगान भी थे, बगीचे भी थे, तो अमरूद, ये सब चीज़ें हमने खूब खाई हैं। तो हमें बचपन से पता है कि कुक्ड चीज़ों से ज़्यादा टेस्टी अनकुक्ड चीज़ें होती हैं। अब पहले जब हम छोटे थे तो हमें याद है जब हम ट्रेन में जाते थे तो हम पापा को बोलते पापा प्लीज़ इतनी सारी चीज़ें नहीं लेके जाना है, वो ट्रेन में सभी लोग खाने लग जाते थे, मतलब इतना ज़्यादा उनको शौक था कट करने का और लोगों को खिलाने का। तो जब ये चीज़ हमने बचपन से सुन सुन के बड़ी हुई तो ये मियर कोइंसिडेंस था कि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी मुझे पता चला कि कच्ची चीज़ें और ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने में। तो क्यों ना आज से हम ये अपने आप से बात करना शुरू करें कि हमें हेल्दी फूड पसंद है, तो ऑटोमेटिकली आप हेल्थ की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। ये बहुत टफ नहीं है, केवल आपको कॉन्शियस एफर्ट लेना है कि आप अपने आप से नेगेटिव बातें ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम अपने बच्चों को भी कितनी बार ऐसा होता है कि हम उनको बोलते हैं ये तो खाली पिज्ज़ा बर्गर खाता है, मतलब मेरे केबिन में मेरे साथ जब पेरेंट्स बैठते हैं बच्चों को लेकर आते हैं उनकी डाइट काउंसलिंग के लिए, तो मैं बच्चे से पूछती हूँ आप ये खा लोगे, तो पेरेंट पहले बोलते हैं नहीं ये तो ये नहीं खाता, नहीं नहीं ये फ्रूट्स खाता ही नहीं है, नहीं नहीं ये तो ये खा ही नहीं सकता। कल मतलब परसों के दिन छुट्टी से पहले दिन मैंने मेरा, अब वो काश वीडियो सुन रहे होंगे तो उनको, मैंने कहा पेरेंट को आप बाहर वेट करिए मैं एक बार बच्चे से बात करती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि, मैंने बच्चे को यही कहा तुम वही खाते रहोगे जो आज तक खाते आए हो तो वही होगा जो आज तक होते आया है, फिर तुम्हारी हेल्थ को हम ठीक नहीं कर सकते। तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, और ये यकीन अपने पेरेंट्स को भी दिलाना पड़ेगा कि नहीं मैं सब चीज़ खाता हूँ, कुछ चीज़ें तो लाइफ में आपने टेस्ट ही नहीं की है, ट्राई ही नहीं की है। तो सबसे पहला काम ये करें, हम सब पेरेंट हैं, सबसे पहला काम ये करें हम अपने आप से पॉजिटिव टॉक्स करना शुरू करें। केवल टॉक नहीं करना है, बॉटम ऑफ द हार्ट हमें ये बिलीव करना है कि वी लाइक दिस, और उसके बाद हम अपने बच्चों को भी वही मोटिवेशन और प्रेरणा दें। अगर हम बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट उनसे ये ना बोलें कि ये तो ये खाता ही नहीं है, या ये चीज़ खाए बिना रहता नहीं है। तो अगर हम ये बहुत मेजर बदलाव करेंगे तो आई एम श्योर कि अच्छी हेल्थ लेना हमारे लिए टफ नहीं होगा। थैंक यू।